विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जरूरत और अफादियत। डिजास्टर मैनेजमेंट का बुनियादी मकसद खतरात को कम करना है। इसमें इंसानी साख और कुदरती आफात दोनों शामिल है। आसान जबान में हम कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है ऐसा इंतजाम जिसके जरिए हम आफात से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। किसी भी आफात के असरात को रोकने में बुनियादी किरदार हिदायत, मंसूबा, हिकमत आमली, मवासिलात, आफती इंतजाम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायती राज इदारों के कामों का अहम हिस्सा है। लिहाजा पंचायती नुमाइंदों को कुदरती आफात और इंसान साख्ता आफात के बारे में आगाह होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मुताबिक मरकजी, रियासती और जिला सतह पर मुख्तलिफ तंजीमें आफात से बचाव का काम करती है। पंचायतें किसी भी किस्म की आफात के वक्त उन इदारों से राबता करती है। कई बार अपने इलाके के हालात को देखते हुए पंचायतें गांव के नौजवानों को मुमकिन आफात से निपटने की तरबियत देती है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत। मंदरजा ज़ेल वजूहात की बिना पर डिजास्टर मैनेजमेंट ज़रूरी है। तेज और मौसर जवाब में मददगार, मजबूत कोऑर्डिनेशन, मौसर राबता, वसाइल का इस्तेमाल, तरबियत। आइए इसको तफसील से समझते हैं। तेज और मौसर जवाब देने में मददगार, ये सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट की मदद से ही है कि हम बहरान के वक्त तेज और मजबूत जवाब दे सकते हैं। हमें इस बारे में पेश की मंसूबाबंदी करनी चाहिए कि आफात आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मजबूत कोऑर्डिनेशन। किसी भी किस्म के डिजास्टर मैनेजमेंट में लोगों के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। हम आहंगी के साथ ही हम डिजास्टर मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। मुयस्सर राबता। मुयस्सर राबता आफात से होने वाले नुकसान को कम करने में मददगार है। एक अच्छा राबता मंसूबा बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की अहमियत को समझना जरूरी है। वसाइल का इस्तेमाल। किसी आफत को रोकने के लिए किस किस्म के वसाइल इस्तेमाल किए जाएं, उन वसाइल को चलाने का तरीका क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट को जानना जरूरी है। तरबियत। अगर लोगों को तरबियत दी जाए तो आफात से होने वाले नुकसानात को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मुख्तलिफ आफात से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अफादियत। डिजास्टर मैनेजमेंट मंदरजा ज़ेल वजूहात की बिना पर मुफीद है। फौरी इमदाद और बचाव, बहाली, पेशगी, तैयारी। आइए इसे तफसील से समझते हैं। फौरी इमदाद। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फौरी तौर पर राहत और बचाव की कार्रवाइयों के लिए जरूरी है। यह आफात से मुतासिर लोगों को पनाहगाह, पीने के पानी, खुराक और सेहत की खिदमात वगैरह फराहम करने में मुफीद है। बहाली। ये आफत जदगान की जिंदगी को मामूल पर लाने में मुफीद है। डिजास्टर मैनेजमेंट की मदद से रिहाइश, ग्रान, तिब्बी सहूलियात, मकानात की मरम्मत वगैरह जैसे मसाइल पर काम किया जा सकता है। इब्तदाई तैयारी। इब्तदाई तैयारी से मुराद आफात का मुयस्सर जवाब यकीनी बनाने के लिए पेश की तैयारी है। इसमें आफात की पेश की वार्निंग और लोगों को आर्जी तौर पर महफूज रखने के साथ साथ उनकी इमलाक को बचाने के लिए भी इंतजामात करना होता है।